नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं संतोष कुमार पार्थ। आज हम बातचीत करेंगे हिलसा अधिवक्ता संघ के कार्यकारिणी सदस्य, इस वक्त हमारे साथ हैं रानी प्रियंका सिन्हा जी, जो कि हिलसा अधिवक्ता संघ के चुनाव में फिर अपना भाग आजमा रही है पुस्तकालय सदस्य के लिए। और हम इनसे जानेंगे कि हिलसा अधिवक्ता संघ में वो 2 साल का कार्यकाल रहा, कितना बेहतर इनका रहा। आपका 2 साल का कार्यकाल कितना बेहतर रहा और कितना कुछ कर पाए? बहुत अच्छा रहा। और मैं लेडीज लोग के लिए लेडीज टॉयलेट अलग बनवाई, उसमें मेरा काफ़ी सहयोग रहा। और हमारे जो अध्यक्ष महोदय थे स्वर्गीय महारथी बाबू और महासचिव पंकज कुमार सोनवंत, उन लोग के सहयोग से काम बहुत अच्छा रहा। और आगे भी हम चाहते हैं कि हम पुस्तकालय समिति में जीत के जाएं और उसमें भी अच्छा काम करें। हिलसा अधिवक्ता संघ में और भी क्या काम किए हैं बेहतर जो आपको लोग वोट करें? हम लोग पूरा ये पर्यावरण में ध्यान दिए, फूल का पेड़ पौधा ला करके लगाए यहाँ। हर तरह का पेड़, चंदन, पान, तुलसी, नीम, हर तरह के पेड़ मिलेंगे यहाँ, गुलाब, चमेली, गेंदा। आप एक महिला हैं और महिला शक्तिकरण का प्रयोग भी है, लोग आपको सपोर्ट करें और बेहतर काम करें, क्योंकि महिलाओं के लिए काम करना काफ़ी मुश्किल होता है जी। इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि पिछले बार मैं सिंगल थी तो मुझे 229 वोट आए थे, काफ़ी लोग मुझे सहयोग दिए और सबका सहयोग मेरे साथ रहा। अभी भी मैं उम्मीद करती हूँ कि इस बार भी मुझे कितना वोट आता है इसी कारण। पिछले बार चुनाव में तो सर्वाधिक वोट लाने वाली आप जी, कार्यकारिणी सदस्य में सबसे फर्स्ट मेरा ही था 229 वोट। इस बार आपको लोग वोट करें, इस पर क्या हम बताएंगे कि आप क्यों आपको वोट करें? हाँ, मैं जिन जिन लोग से मिली हूँ वो लोग बोले कि चलिए लेडीज हैं, आपको उम्मीद जीत तो पक्का ही है। अब क्या है नहीं है वो तो बाद में ही पता। पहले का अधिवक्ता संघ और आपका अधिवक्ता संघ में कितना अंतर है? यस सर, मैं तो 2009 में यहाँ एंट्री की थी, उस वक्त लगता था कि कहाँ आ गए, लेकिन अब हम लोग धीरे धीरे 2009 में आई तो रामबली बाबू और राजनंदन शर्मा अध्यक्ष थे, रामबली बाबू महासचिव थे, उस वक्त मैं यहाँ आई। उसके बाद 2011 में पंकज बाबू महासचिव रहे और ब्रजमोहन बाबू अध्यक्ष रहे। उसके बाद यहाँ राजीव बाबू महासचिव रहे और एजाज अहमद अध्यक्ष रहे। इसके बाद फिर ये क्या लगता है कि कितना बदलाव हुआ है? पहले का अधिवक्ता संघ कहा जाता था कि 30 साल पहले 10-12 लोग यहाँ करते थे, आज अधिवक्ताओं की संख्या कम से कम अधिक संख्या है, अभी 500 से अभव है यहाँ के अधिवक्ता की संख्या। भले ही चुनाव में 584 लोग हैं लेकिन वोटर लिस्ट में 384 हैं अभी जो इलेक्शन हो रहा है, और अब तक 235 लोग का ये चुनाव संपन्न हो गया है। तो क्या लग रहा है कि आपकी जीत इस बार भी पक्की है? उम्मीद तो करूँगी। हिलसा अधिवक्ता संघ में बदल रहा, कई बार कहा जाता है कि चोरियाँ यहाँ हो रहा था, यहाँ पार्किंग की व्यवस्था की गई है, CCTV कैमरे लगाए गए हैं, और भी कई हैं, शौचालय की आप बात कर रही हैं महिला, क्योंकि सबसे ज़्यादा शौचालय की समस्या होती है। तो जो शौचालय बनाया गया, क्या वो अधिवक्ता महिलाओं के लिए है या महिला कैंडिडेट कोई आएगी तब उनका? महिला एडवोकेट को लिए के लिए स्पेशल है, और जो पहले जिसमें हम लोग पहले यूज करते थे वो लेडीज क्लाइंट के लिए हो गया है। मतलब दोनों के लिए हो गया कि आप जो भी लेडीज क्लाइंट आएंगे जो भी चाहेंगी वो जा सकती हैं, महिलाएं दूर दरार से आती है, दूर से आती हैं, परेशानी होता है और तरह तरह की परेशानियां महिलाएं लोग के साथ रहता है, सबको झेलते हुए हम सोचे कि लेडीज टॉयलेट होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे सीनियर लोग जो थे अध्यक्ष स्वर्गीय महारथी बाबू और महासचिव पंकज जी, ये लोग के सहयोग से अच्छा। पंकज जी इस बार चुनाव में नहीं आए हैं जो कि सचिव पोस्ट पर थे, वो बोले कि इस बार हम नहीं रहते हैं और आगे देखेंगे, आगे का मौका और लोगों को देना चाहिए, नए लोगों को मौका दिए जी, नए लोगों को मौका देना चाहिए। तो इस बार चुनाव में आपका जीत सुनिश्चित की जा रही है जी? मैं तो सोच रही हूँ कि होना चाहिए, अब क्या होता है तो बाद में ही पता चलेगा क्या रिजल्ट आता है।